फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो मैं आज रेसिपी में बनाने जा रही हूँ भरमा भिंडी। तो मैं किस तरह से बनाऊंगी, तो बने रहिए मेरे खान्स किचन ब्लॉग में। भरमा भिंडी बनाने के लिए हमने ली है ये 250 ग्राम भिंडी। ये कम से कम 3 से 4 दिन की भिंडी है, तो इसे कम से कम 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धो लें। भिंडी को कम से कम 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से हमने धो लिया है, तो अब चलते हैं इसको बॉयल करने के लिए। ये ले ली है कढ़ाई, तो कढ़ाई में अंदाज से हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे, तो अच्छी तरह से पानी गर्म हो जाए। तो गरम पानी में हम 1/2 चम्मच नमक डाल रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं पानी अच्छी तरह से गरम हो चुका है। तो गरम पानी में हम अब भिंडी को डाले दे रहे हैं, तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक हमें अच्छी तरह से भिंडी को पानी के साथ में बॉयल करना है। ज़्यादा नहीं गलाना, तो ख़राब हो जाएगी भिंडी। सिर्फ इसको हमें मुलायम करना है भिंडी को। तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक हम भिंडी को इसी तरह से पकाते रहेंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया इसमें कलर भी आ गया, और ये देखिए कितनी मुलायम भिंडी हमारी हो चुकी है। तो 2 मिनट हमारे अभी लगे भी नहीं और भिंडी में मुलायमपन आ गया, क्योंकि ये 2-3 दिन की रखी हुई भिंडी है, इस वजह से हम बॉयल कर रहे हैं। और इसमें जो भी गंदगी ऊपर चढ़ गई है वो भी सारी निकल जाएगी। ये देखिए कितना गंदा पानी निकल रहा है, तो इसीलिए हम भिंडी को बॉयल कर रहे हैं। तो 2 रीजन थे, भिंडी हमारी बिल्कुल ताज़ी फ्रेश हो गई, मुलायमपन आ गया है, और पानी में जो गंदगी देख रहे हैं वो भी सारा निकल गया भिंडी के ऊपर से। तो बस 2 से 3 मिनट हो चुके भिंडी को बॉयल करते हुए, तो अब सारी भिंडी को हम निकाले ले रहे हैं। सारी भिंडी को हम कढ़ाई से निकाले ले रहे हैं। ये देखिए, अगर आप लोगों की भिंडी कभी भी 3-4 दिन की रखी हो तो इसी तरह से बॉयल कर लेना, बहुत मुलायम अच्छी ताज़ी फ्रेश हो जाती है भिंडी, और पक भी बहुत जल्दी जाती है झटपट वाली। तो इसी तरह से सारी भिंडी को हम निकाले ले रहे हैं। भिंडी को हमने कढ़ाई से निकाल कर ठंडा करने के लिए छोड़ दिया, तो आप लोग देख सकते हैं बॉयल करी हुई भिंडी हमारी बिल्कुल मुड़ जाती है, बिल्कुल ताज़ी फ्रेश हो गई है, और कोई भी लिबलिबाट नहीं रह गई है, तो बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। और ये देखिए हमने इसको बॉयल नहीं किया है, तो ये भिंडी बिल्कुल टाइट है, ये देखिए, और तोड़ेंगे तो ये देखिए ऐसी हो जाती है, और इसको हम तोड़ेंगे तो ये मुड़ जाएगी, देखिए। तो इसलिए हमने बॉयल की है, इसमें कोई भी अब कोई ख़राबी नहीं है। तो आप लोग एक बार इसी तरह से भिंडी को बॉयल करके ताज़ी भिंडी बना सकते हैं। तो चलते हैं इसका मसाला बनाने के लिए। हमने ले लिया है एक फ्राई पैन, फ्राई पैन में जाएगा 1 चम्मच भरकर सौंफ, 1 चम्मच भरकर जीरा, 1 चम्मच खड़ा धनिया, 3 सूखी मिर्चें, 8 से 10 काली मिर्चें। अब हम सारे मसालों को रोस्ट करेंगे। तो सारे मसालों को हल्के आंच में हमको रोस्ट करना है, कम से कम 1 से 2 मिनट तक। तो हल्के फ्लेम में हमने मसाले को रोस्ट कर लिया। ये देखिए कितनी बढ़िया इसमें से खुशबू निकलने लगी है। तो बस मसाले को थोड़ा हम ठंडा करेंगे। जब तक हमारे मसाले ठंडे होंगे तब तक हम भिंडी को कट कर ले रहे हैं। तो ऊपर का हम हिस्सा काटना है और नीचे का काटना है, तो इस तरह से हमको चीरा लगाना है बीच में, और चेक करना कोई कीड़ा वगैरह ना हो। तो इस तरह से हमें भिंडी काटना है, तो इसी तरह से हम सारी भिंडी को काटे ले रहे हैं। तो हमने एक और काट दिया, ये देखिए तो सारी भिंडी हमारी अच्छी निकल रही है। तो सारी भिंडी हमारी कट हो चुकी है, तो इसको करते हैं साइड में। तो हमने ले लिया है मिक्सर जार, तो मिक्सर जार में जाएंगे हमारे रोस्ट करे हुए मसाले। तो सारे मसाले को हम ट्रांसफ़र करे दे रहे हैं। डालेंगे लहसुन के जबे 5 से 6, 1/2 टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, इसमें जाएगा कटा हुआ प्याज बड़े साइज का 1, 1/2 चम्मच आमचूर का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, 1/6 चम्मच पिसी हुई मिर्च। थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी मसाला पीसने के लिए। मसाला पीस लिया है, तो इसको हम एक कटोरी में पलटेंगे। तो सारा मसाले को हम कटोरी में पलटे ले रहे हैं इस तरह से। तो सारा मसाला हमने कटोरी में पलट लिया है, तो एक भिंडी हम लेंगे और भिंडी का इस तरह से मुँह खोल कर, और इसको इस तरह से मसाला भर भर के, तो एक प्लेट में हम रखते जाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से सारी भिंडी को हम भरे ले रहे हैं। सारी भिंडी भर चुकी हैं, तो अब चलते हैं गैस के पास। तो कढ़ाई को रख दिया हमने इंडक्शन के ऊपर गर्म होने के लिए। तो इसमें हम डालने हैं 1/2 चम्मच सरसों का तेल। तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो इसमें हम 1 चम्मच भरकर जीरा चटकने के लिए डालने हैं। जीरा चटक चुका है, तो इसमें अब जाएगी भिंडी। तो एक एक करके हम इसको इस तरह से भिंडी को डालने हैं तेल के अंदर। भिंडी को डालने के बाद में भिंडी को ऊपर नीचे करना है अच्छी तरह से, कम से कम 2 से 3 मिनट तक मसाले को और तेल के साथ में पकाना है। लोग देख सकते हैं भिंडी और मसाला कितनी बढ़िया तरह से पक रहा है। कम से कम 2 से 3 मिनट तक मसाले को इसी तरह से पकने देना है, क्योंकि मसाला हमारा सारा कच्चा है, तो धीमी आँच में मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा और मसाला तेल भी छोड़ेगा। तो बस 2 मिनट के लिए मैं छोड़ दिया है। का मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, भिंडी भी हमारी कस चुकी है, तो इसमें हम हल्का सा लगाएंगे पानी।
तो आप लोग देख सकते हैं हम कितना पानी लगाने जा रहे हैं। तो बिल्कुल हल्का सा है पानी लगाना, थोड़ा हमने बचा भी लिया है। तो बस फिर से भिंडी को ऊपर नीचे करके इस तरह से हमें चलाना है तो पानी हमारा सारे में मिल जाए भिंडी के साथ में। और धीमी आंच में बिल्कुल हमें पकाना है। तो नीचे हमने तवा लगा दिया है कि भिंडी हमारी नीचे चिपके ना। तो कम से कम 5 मिनट के लिए धीमी आंच में हमने भिंडी को पकने के लिए छोड़ दिया। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं भिंडी को पकते हुए। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया मसालेदार भरवा भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। कोई भी सब्जी हमारी तले में चिपकी नहीं है। तो चलते हैं इसको हम प्लेटिंग करने के लिए। रेडी हो जाइए रोटी और पराठे के साथ खाने के लिए। तो एक बार आप लोग इसी तरह से भिंडी जरूर बनाइएगा भरमा, बहुत टेस्टी बहुत लाजवाब बनती है। तो चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया लाजवाब भिंडी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। तो सारी इसी तरह से भिंडी को हम प्लेट में करे ले रहे हैं। तो तैयार हो चुकी है मसालेदार भरमा भिंडी मैंने किस तरह से बनाई है, तो आप लोग एक बार इसी तरह से बनाइएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो को एंड करने के लिए। अगर आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।